गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको कलरफुल बहुत ही प्यारी सी 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बहुत प्यारी सी स्कर्ट बनाना बताएंगे। तो इसके लिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, 10 चेन डाली हैं। सेकंड वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके पास वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारे पास 9 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ऊन हमने बटरफ्लाई की ली है, 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। 3 से 4 साल तक के बच्चे के एकदम परफेक्ट साइज आने वाला है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में आप जैकेट बना सकते हैं, कोटी बना सकते हैं और स्वेटर बना सकते हैं। आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब देखिए, एक चेन लेकर हमने इस सेकंड वाली चेन में डाल के पीछे वाले तार में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। 2 तार आपको देखेंगे, आपको पीछे वाले तार में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हमारे पास बनेंगी, ठीक है। देखिए, तो जो ऊन हमारी है वो बटरफ्लाई की है, थोड़ी मोटी ऊन होती है। अगर आपके पास 3 प्लाई की या बर्दमान की ऊन है तो आप 12 चेन ले या 11 चेन ले सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर से एक चेन लेके हमने घुमाया और पीछे वाले तार में डालते हुए हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम ना स्कर्ट की बेल्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। एक पूरी रो ख़त्म करने के बाद एक चेन लेनी है और इसको टर्न करना है और फिर हम सेकंड वाले में डालकर जो चेन लेंगे उसमें नहीं डालना है, उसके पास वाली चेन में डालते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की पट्टी बना ली है। हम आपको नाप के दिखा दें, तो अभी हम नाप के दिखाते हैं आपको। देखिए, देखिए 22 इंच के समथिंग हमने पट्टी बनाई है। इसको डबल करना है। 3 से 4 साल तक की लड़की के परफेक्ट साइज़ है। अगर आपको इससे छोटा साइज बनाना है तो इसी के अकॉर्डिंग आप पट्टी बनाएं, ठीक है। कमर के अकॉर्डिंग पट्टी बनानी है। हमने 22 बनाई है, आप 20 बना लें। बड़ा साइज बनाना है तो 25 कर लें, 24 कर लें। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए या तो आप सुई से भी सिलाई लगा सकते हैं, फ़िलहाल तो हम क्रोशिया से लगाएंगे। तो एक देखिए, इस वाले फंदे में डालेंगे, एक दूसरे वाले में डालेंगे, रॉन्ग साइड से ज्वाइन करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें डालेंगे, इसमें डालकर और दोनों फंदे निकाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे हम। देखिए, अभी दिखाते हैं, इस तरीके से इसमें डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे और इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे, फिर दिखाते हैं। हमने सिलाई लगा ली है, आप सुई से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन बहुत प्यारा है, बहुत आपको पसंद आएगा। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है, ठीक है, और एक चेन नहीं लेनी है। अभी एक चेन लेकर हम पहले सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो देखिए, एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाया, वापस इसी जगह एक और बना लिया, ठीक है। अब इसके पास में इस वाले फंदे में एक बनाना है हमें और इस वाले फंदे में 2 बनाना है, 1 और 2। फिर देखिए, इसमें 1 बनाएंगे और इस वाले फंदे में हम, ये वाला जो फंदा आपको दिखेगा, इसमें 2 बनाना है, ठीक है, 1 और 2। फिर देखिए, इसमें 1 बनाना है और इसमें 2 बनाएंगे, 1 और 2। फिर देखिए, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके पास वाले फंदे में 2 बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर इसमें 1 बनाएंगे, इसमें 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो इसी तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। देखिए, पूरी रो हमने बना ली है। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने एक चेन ली थी, इसमें डाल के इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन कर लिया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2
तीन, वापस इसी जगह हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया हमारी हो जाएंगी, ठीक है। एक चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर सॉरी दो चेन लेके इसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, वापस इसी जगह एक और बना लिया, दो हो गई, ठीक है। ये देखिए पहले दो डबल क्रोशिया बनाई, फिर दो चेन लेकर उसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। अब हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेकर एक दो तीन, तीन चार चेन छोड़ के पाँचवीं वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया और बना ली, फिर दो चेन लेकर इसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगी, ठीक है। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेकर फिर एक दो तीन चार, चार चेन छोड़ेंगे पांचवी वाली चेन में डाल के एक दो, दो डबल क्रोशिया बना ली, एक दो, दो चेन लेके इसके पास वाली चेन में डालेंगे एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया बना ली, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। और आप फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेकर एक दो तीन चार, चार चेन छोड़ेंगे पांचवी चेन में एक डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह एक और बना ली, ठीक है। फिर से हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और वापस इसी जगह एक और बना ली। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो लास्ट में हमारे पास चार चेन बची हैं, हम चार चेन छोड़ेंगे, एक दो तीन चेन लेकर जो स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करना है। अब स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम तीन चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो एक दो तीन, ये तीन डबल क्रोशिया हो गई, एक दो, दो चेन लेके एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बना ली, ठीक है। हमने देखिए पहले तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन हो गई। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेकर एक दो, दो चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन में इस तरीके से डालना है, इस तरीके से डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेके इसमें तीन डबल क्रोशिया, देखिए तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन एक दो, वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। अब फिर से सात चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बना के एक दो तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ डालेंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो, दो चेन लेके एक दो और ये तीन, ठीक है। इस तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से पूरी रो बनाएंगे, फिर से देखिए सात चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीसरी वाली चेन को उठाएंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो ये देखिए पूरी रो बन गई हमारी। अब डिज़ाइन की तीसरी रो कैसे बनानी है वो आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे,
तीन चेन बना ली। अब वापस इसी जगह एक दो और चेन को काउंट किया तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गई। दो चेन लेकर फिर एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया फिर से बना ली। ठीक है, अब तीन चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन, तीन चेन लेकर इस वाली डिज़ाइन में डालेंगे यहाँ पर और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर से दो चेन, एक दो, वापस इसी जगह एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया फिर से बना ली। ठीक है, फिर से तीन चेन, एक दो तीन, इसमें डालेंगे एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन और वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। पूरी रो बन गई है, फिर से हम बीच में आके तीन चेन ले ली। अब देखिए एक डबल क्रोशिया, चेन को काउंट किया तो दो हो गई, तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बना के दो चेन लेंगे, एक दो, वापस इसी जगह एक दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया फिर से बना ली। ठीक है, अब एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेकर, अब देखिए जो नीचे वाला आपको दिख रहा है तीन डबल क्रोशिया दिख रही है, तो बीच वाली में, ठीक है, बीच वाली तीसरी वाली, बीच वाले में हम डालकर और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इस फंदे को इसके अंदर से निकाल दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेके इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया, दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बना के दो चेन लेके वापस इसी जगह एक दो तीन चार, इस तरीके से फिर से हमने बनाना है। ठीक है, ये देखिए फिर से सात चेन बनाएंगे, देखिए बीच वाले में हमें इसको ज्वाइन करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेकर और इसको हम ये बीच वाले में, देखिए इसको बीच वाले में एक दो, ये दूसरे वाले में डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ डालेंगे एक डबल क्रोशिया, दो तीन चार, दो चेन लेकर फिर से बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। पूरी रो बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन की चार रो हमारी बन गई हैं, अब हम क्या करेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। तो आपके पास अगर कलर थोड़ी थोड़ी ऊन बच गई है तो सारे कलर की बनाए, बहुत प्यारी सी स्कर्ट लगती है। तो इसको बीच में हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और तीन चेन बना के फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई हैं, तीन देखिए, तीन डबल क्रोशिया और ये लास्ट चार, चार डबल क्रोशिया के बाद दो चेन लेनी है हमें, ये चार डबल क्रोशिया, दो चेन और चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार। ठीक है, इसके बाद हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन,
अब इस वाले डिज़ाइन में डालेंगे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक रो को हमें इस तरीके से बनाना है, 3 चेन वाला बनाना है, और अगली रो जब आएगी तो वो 7 चेन वाली होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से पैटर्न रिपीट करते जाएं। और अगर आपको घेरा बढ़ाना है तो आप 3-4 रो के बाद फंदे बढ़ा लें, जैसे कि अभी हमारी 4 रो की 4 डबल क्रोशिया की रो चल रही है, 2 रो या 3 रो के बाद हम 5 डबल क्रोशिया की रो कर लेंगे। फिर इसी तरीके से 3-4 रो के बाद आप 6-6 डबल क्रोशिया बनाएं। तो इसी तरीके से आप घेरा बढ़ा सकते हैं। अगर आप मिडी की तरह बनाना चाहते हैं तो 5 के बाद आप फंदे नहीं बढ़ाएं और एकदम मिडी की तरह मिडी का लुक आ जाएगा। तो देखिए, इसमें डाल के भी हमने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके बाद 3 चेन लेके अगले डिज़ाइन में बनाना है। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके अगली रो में 7 चेन वाला डिज़ाइन आ जाएगा। तो बस इसको रिपीट करते जाएंगे। तो पूरी स्कर्ट बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है स्कर्ट। और हाँ, इसमें हमने 3-4 कलर मिलाए हैं, क्योंकि हमने टॉप बनाया है, टॉप में भी हमारे 3-4 कलर हैं। टॉप का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसको बनाने के बाद इसमें हम येलो कलर की ऊन लगाएंगे, फिर से हम ग्रीन लगा लेंगे, फिर 3-4 कलर लगाने के बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए, बहुत प्यारी सी स्कर्ट बन गई है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसमें जैकेट बनाएं और कोटी बनाएं, बच्चों का कुछ भी बनाएं, श्रग बनाएं, बहुत प्यारा लगने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके मैचिंग का हमने टॉप बनाया है, टॉप का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखें। तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी भी प्रेस करें। बाय। अगर आप इसमें बेल्ट अटैच करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं इसमें अलग से बेल्ट लगाना भी बताऊँगी।